गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील कर रहे हैं कि हमें बांग्लादेश से जल्द इवैक्यूएट करें। प्लीज हमारी इमीडिएट इवैक्यूएशन यहाँ से की जाए। जो डेथ रेट है वो बहुत ज्यादा है, केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें अब यहाँ पर रहने में भी डर लग रहा है। Now, why all these students want to go home? My name is Ahmed Khan and I'm also an Indian medical student studying in Bangladesh. सबसे पहली और मेन बात, ये सारे स्टूडेंट्स तब घर क्यों नहीं गए जब बाकी सारे जा रहे थे लॉकडाउन से पहले। तब काफी सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम चल रहा था और अप्रैल में उनको प्रॉफ का फॉर्म भरना था ताकि वो मई में जाके एग्जाम दे पाए। तो किसी को भी श्योरिटी नहीं थी कब तक लॉकडाउन चलेगा, कब तक नहीं होगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो उसके कारण ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे रह गए और अब ये सारे स्टूडेंट्स घर जाना चाहते हैं। बेसिकली पिछले एक महीने से 24 घंटे बस एक ही रूम में रहना, ना तुम्हारा कोई दोस्त, ना तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर, एटलीस्ट अगर अपने घर में होते तो आपके फैमिली मेंबर साथ में होते, खाना वाना अच्छे से खाते। यहाँ पे रह के 24 घंटे बस डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। तो ये चीज है जिसकी वजह से, जिससे बचने के लिए ये सारे घर जाना चाहते हैं। और मैं अगर आप तुम्हें अपने हॉस्टल की हालत दिखाऊंगा, मेरे रूम से निकलते ही मेरे फ्लोर में बस हम तीन बंदे हैं। ये रूम लॉक है, यहाँ पे एक लड़का है, ये रूम लॉक है, यहाँ पे एक लड़का है, हमारा किचन, यहाँ पे भी रूम बंद, कोई भी नहीं है, सब सुनसान, कोई नहीं है यहाँ पे, कैसे रहेगा कोई बंदा यहाँ पे यार। और अभी तक हमें वैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, एटलीस्ट मेरे कॉलेज में, बरिंद मेडिकल कॉलेज में। यहाँ पे हमारा कॉलेज, इंडियन एम्बेसी हमारी पूरी हेल्प कर रहा है, इवन के हमें कॉलेज ने हेल्पर्स दिए हुए, अगर आपको कुछ भी सामान चाहिए वो आपको ला के देंगे। लेकिन यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं, वो बाहर जा रहे हैं, मैं भी बाहर से इन्फेक्टेड होके आएंगे, यहाँ पे हमें वायरस ट्रांसफर कर देंगे, जैसे कि इंडिया में अभी पिज्जा डिलीवरी बॉय ने किया, 45 लोगों को वो इन्फेक्टेड कर गया। तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं, एटलीस्ट घर पे होते तो हम ज्यादा पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रख सकते। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ केयर फैसिलिटीज, टेस्टिंग, केसेस एंड मोर्टेलिटी रेट। हेल्थ केयर फैसिलिटीज हमारे बहुत कम है यहाँ पे एज कम्पेयर टू इंडिया, टेस्टिंग बहुत कम हो पा रही है क्योंकि हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, कंट्रोल करना बहुत ही टफ है, केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं और मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे बहुत हाई है, बहुत ज्यादा लोग मर रहे हैं। तो ये सारा कंसर्न है हम सब स्टूडेंट्स का। तो ये सब चीजें देख के हर एक स्टूडेंट घबरा रहा है और वो घर जाना चाहते हैं कि एटलीस्ट अपनी फैमिली के साथ रह के लॉकडाउन गुजारें। ये पता नहीं है कि कब तक ये लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, 6 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, कब तक है। तो इसी वजह से ये सारे स्टूडेंट्स अपील कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि हमें प्लीज यहाँ से निकालो, इवैक्यूएट करो यहाँ से। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज वीडियो को शेयर करो ताकि अथॉरिटीज तक वीडियो पहुंचे, ताकि हम घर जाए, जो फिर सबू का हाल होगा वो हमारा भी घर में हाल होगा, लेकिन अगर घर वालों के सामने जो कुछ भी होगा वो घर वालों के सामने होगा। नारायणगंज एरिया ऑफ बांग्लादेश मोस्टली इंफेक्टेड इज द हॉटस्पॉट।